अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सीन कुछ ऐसा है यार, इतने ज़्यादा बच्चे मुझसे मिलने के लिए अभी गेट पर आए थे। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, बोले प्लीज़ हमें व्लॉग्स में मत लो, प्लीज़ हमें व्लॉग्स में मत लो, प्लीज़ हमें व्लॉग्स में नहीं लो। मुझे बुरा लगा कि यार वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो मैंने बोला यार छोटे फैंस से, मतलब बोला हमें शर्म आ रही है, तो मतलब ओके ओके कोई मसला नहीं है। तो मतलब फैंस वगैरह से मैं मिल के आया हूँ, अभी हम लोग वीडियोज़ वगैरह बनाए गए शॉर्ट। तो भाई यार मेरे छोटे से फैंस आए क्यूट क्यूट से, तो सबसे पहले आपसे मिलते हैं। ईद मुबारक ही सब है, बताएं सबसे पहले आपका नेम। मीर अब्दुल हादी। मीर अब्दुल हादी। और आपका? मावे अली। मावे अली। और सुनाओ, मतलब मेरा व्लॉग्स आपको कितना पसंद आता है? बहुत ज़्यादा से मुराद, मतलब कितना देखते हो? ज़्यादा। बहुत पसंद आता है। और पंपी कैसा लगता है व्लॉग में आप लोगों का? अच्छा। और एक अल्ट्रा अब्दुल खालिक भाई जानते हो? हाँ। वो कैसे लगते हैं? हाँ। अच्छा। अब भाई यार ईद ही दो मुझे, ईद नहीं है ये, क्या सीन है यार? मैं आप लोगों को ईद ही दूँ तो करें? अब ये भी गलत बात है ना, मुझसे लेनी भी नहीं है और देनी भी नहीं है, फिर ये क्या सीन है? अच्छा चलो यार, अब हम लोग मिलते हैं आप लोगों को घर पर ही, सही है? बाय 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 कर दो। सो फाइनली गाइस, आपका भाई अब्दुल एमजे आ चुका है बॉलीवुड मॉल में। तो आप लोग देख सकते हैं यार, तो बहुत ही रश लगी हुई है, पता नहीं हमें अंदर जाने देंगे नहीं देंगे, अभी कुछ भी नहीं पता, बस अब हम लोग चलते हैं अंदर, देखते जाने देते नहीं देते। भाई यार मेरे छोटे छोटे से फैंस मिले, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, अपना नाम बताओ। मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम इस भाई, तुम्हारा भी नाम इब्राहिम है ना? इब्राहिम। इब्राहिम तुम्हारा बचपन आ गया। और आपका नेम क्या है? अच्छा, मेरे व्लॉग्स आप लोग देखते हैं, कितना पसंद आता है आप लोगों को? अच्छा बहुत। तो बस यार यार, तो भाई यार सीन कुछ ऐसा हो गया ना यार, इतनी रश लगी हुई है, मुझे तो नहीं लग रहा कि हमें अंदर जाने देंगे, तो हम लोग वापसी जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। अब बस हम लोग चलते जाओ। नहीं गाइस, आपका अब्दुल एमजे आ चुका है यार मॉल में, इतनी ज़्यादा रश थी ना, तो बस मॉल में तो हम लोग अंदर घुस नहीं पाए। लेकिन यार इधर पंपी, मेरा कब से दिमाग आ रहा है, पंपी क्या चाहिए? क्या शूज़ चाहिए? शूज़ क्यों चाहिए यार? इसको मेरे शूज़ पसंद आ गए हैं, क्या करूँ मैं? ईदी ले लो मेरे भाई, शूज़ क्यों चाहिए? क्या चाहिए? शूज़ चाहिए। अच्छा तुम खुद उतार लो, ले लो तुम खुद ले लो। अच्छा दो उतार के, ये लो शूज़। तो गाइस इतने प्यारे लग रहे थे मेरे पाँव में, लेकिन नहीं, इसको चाहिए शूज़। ईदी ले ले बंदा, नहीं मेरे ब्रांडेड शूज़ ले लिए इसने पंपी ने, वो भी बड़े भाई उल्टे पहन रहे हो, पंपी उल्टे पहन रहे हो। उतारो उतारो उतारो, दो मिनट, वो भी उतारो उतारो उतारो। भाई यार पंपी तो बस मेरे शूज का दीवाना बन गया है, बोलते हैं ना बंदा, बच्चे तो ज़िद्दी होते हैं यार, बच्चे को कुछ भी पाना होता है तो रोते हैं, ज़िद करते हैं, इसने बहुत ज़िद करी, अब जाके मैंने अपना शूज़ दे दिए इसे। पंपी इतने बड़े बड़े शूज़ है गाइस, पंपी घड़ी घड़ी पहन रहे हैं, घड़ी घड़ी उतर रहे हैं, आज तो मेरे शूज़ की एसी की तेसी हो जानी है। पंपी क्या हुआ? मेरा शूज़ पहन के देखे गाइस, कितना खुश हो रहा है यार। मेरा शूज है भाई, मेरा है। ईदी ले ले मेरे भाई, ईदी बताओ उनको, ईदी चाहिए। हाँ। फिर शूज की पेन है, शूज और ईदी में से कुछ एक चीज लेनी थी ना, तुम ये लो ईदी, लो शूज दो, ईदी लो शूज दो, ये लो ईदी 100 रुपीज, ये लो अब शूज दो, अब मुझे शूज उतार के दो। अरे पैसे फेंक दिए आपने, उठाओ शूज दो। अरे वाह पंपी एग्री हो गया, थैंक यू सो मच यार, मेरे शूज वापस से मिल गए मुझे, थैंक गॉड। अब पंपी इससे क्या जूस पियोगे? क्या पियोगे इससे? थैंक यू। ये तो वो हो गया, बोलते हैं ना जूता छुपाई वाली रस्म होती है, जूता लो पैसा दो, जूता लो पैसा दो, वैसे ही पंपी ने जूते ले लिए और पैसे ले लिए मुझसे। अब पंपी जूस का पैसों का क्या करोगे? जूस पियोगे और आइसक्रीम? आइसक्रीम जाओ बाबा को बोल के आइसक्रीम लेके जाओ। तो भाई चला गया आइसक्रीम खाने के लिए और मेरा शूज फाइनली आ गया यार। अब्दुल एमजे मेरा प्यारा सा भाई, क्या हुआ इतने परेशान क्यों?
शूज तो है ही नहीं। कौन से वाइट वाले? वो वाले, रेड वाले। हाँ वो जो अपन ने लिए थे, वाह यार कमाल के थे। यार पंपी ने काम किया है भाई, बाकी ने पंपी इतना तेज हो सकता है क्या? मुझे भरोसा नहीं यार, तुम मजाक कर रहे हो। अभी मुझे पता है आप बोलोगे प्रैंक कर रहा हूँ मैं। ये तो यार पंपी तो मतलब पंपी का लेवल ही अलग होते जा रहा है। ऐसी मेरी कोई स्पेशल चीज हो मैं तो उसको पंपी को दिखाऊं ही नहीं, वरना पंपी पता नहीं क्या क्या मांगते पैसे। खैर वाकई में तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं यार ये। बहुत ज्यादा यार। खैर है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई हूँ ना मैं। और तुमने 50 रुपीज दिए पंपी को यार, यार कितनी गलत बात है। बस मुझे आइडिया मिल गया, पंपी ने आपसे 50 रुपीज लिए, फिर आपने उसको उसने आपको शूज दिए, सही है? अब मैं भी कुछ मांग सकता हूँ आपसे क्योंकि मेरे पास आपके शूज आ गए। यार इसको पहनते अपन, चलो भाई पहनते पहनते पहनते। ओ भाई कितने क्लासिक लग रहे हैं यार। बस मुझे ऐसा करो, आप कितने गाइस पैसे मांगो यार कमेंट में बताओ। ऐसा करो मुझे पंपी ने 50 रुपीज मांगी क्योंकि वो छोटा था, मुझे ऐसा करो आप 100 रुपीज दो। यार असल में ये पंपी ने एक राज बताया। ओ भाई यार क्या देख लिया, ये तो बड़ा नोट है, बड़ा नोट निकले यार आपकी नसीब। नहीं नहीं 50 नहीं, नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास खुले पैसे पड़े। करो। मैं आपको ऐसा करता हूँ, मेरे पास जो खुले पैसे पड़े ये आप लो और मुझे 100 रुपीज दो। 100 नहीं पड़े ना मेरे पास। फिर 50 बाद में दोगे, बाकी जो बाकी बचेगे। पक्का सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं सारे, बता दो। सोचू भाई 100 रुपीज से अगर मैं नहीं दूँ कल को, क्योंकि 100 रुपीज से नहीं पड़ेगी। दोगे या नहीं ये बताओ बस मुझे जल्दी, वरना मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई, तुम तो बातें करते रहोगे भाई। सब्सक्राइबर्स को बोलोगे मैं 50 रुपीज बाद में दूंगा, ये बोलो आप। यार 950 बस 50 चलेगा प्लीज, तुम्हें नहीं चाहिए शूज। गाइस मैं जा रहा हूँ, मैं किसी मस्जिद के बाहर बंदे को दे दूंगा, वो ज्यादा खुश हो जाएगा। बस यार ब्रदर मेरे शूज देखो, एक मिनट दिखा अपने किस तरीके से पहने, फट जाएगा यार मेरा शूज। यार ये स्पेशल तरीका है यूं यूं चलने का, तो मैं दे रहा हूँ ना आपको। हाँ मैं दे रहा हूँ, आप मुझे दो खर्ची। वही तो सिलाई वाले को भी पड़ेगा। चलो 50 दो आप मुझे, फिर 50 कब दोगे ये सब्सक्राइबर्स को बता दो। कल जो व्लॉग आएगा ना उसमें सबके सामने आपको। चलो ये सही है, चलो एक फिर बात सुन लो, आपको सिर्फ एक शूज मिलेगा, ये लो ये एक मेरा है। 50 रुपीज में एक सही है ना गाइस? मजाक कर रहा हूँ यार, आप ले लो भले, कोई बात नहीं। तो भाई अब्दुल एमजे ने बोला है कि मैं आपको दूसरे ब्लॉग में 50 रुपीज दूंगा, आप लोग गवाओ। देने पड़ेंगे 50 यार, ये सब्सक्राइबर सारे देख रहे हो कितनी गौर गौर से देख रहे हैं सब। मेरी वजह से एक सीन हो यार। क्या? ओ भाई अभी मैंने इसको मैं साफ कर दूंगा, पर इसके अलग एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे 50 रुपीज। आप ये छोड़ दो, आप मुझे ईदी नहीं दे रहे, ये गलत बात है। आपको आप बड़े भाई हो, ईदी तो यार मुझे यार मैंने आपको ईदी दी थी, भूल गए आप शायद। याद करो कल 100 रुपीज याद करो, आपने मुझे केक गिफ्ट दिया था और याद करो 200 दिया था शायद। देखा यार, देख रहे हो आपका भाई ईदी को दे यार, मेरा काम ही तो इन गरीबों को ईदी देना है। अपने शूज के लिए मैंने कितने 100 रुपीज दिए, सही है शूज के लिए सिर्फ। वैसे गाइस आपको ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, ये गरीब नहीं है बहुत अमीर बंदा है। देखो बोला 200 में क्या होता है,
200 में मैं पूरा मंथ अपना खर्चा गुजार लूँ यार, खर्चा कर लूँ अपना पूरा मंथ, खाना पीना कपड़े वपड़े सब ले लूँ, और ये बोले 200 में क्या होता है यार, कितनी गलत बात है। क्या होता है यार, 200 का जमाने में मुझे ईडी चाहिए बस, मुझे 50 रुपीज आपको देने हैं बस, डन हो गया। सही डन हो गया, लेकिन आपको भी ईडी कल ही देनी है और मैं आपसे लेके ही रही हूँ गाइस। सही है, अपने अपने लफ्जे का वफाद है, खाना वगैरह जाए उससे पहले एक घंटा फिर से मेरी ऑफर नहीं खड़ा। नहीं नहीं बस अब ये आपके शूज सेव है, अब मैं पंपी जो भी छोटे छोटे बच्चे उन्हें बोल दूंगा कि नहीं ले। अब यार एक बार पकड़ नहीं आने चाहिए आप। नहीं नहीं मैं सबको मना कर दूंगा, टेंशन मत लो आप। आपको अगर 50 रुपीज़ भी चाहिए तो यार ले लो, मैं मजाक कर रहा था आपसे, मैं आपको तंग कर रहा था, पर वो 50 रुपीज़ वो तो देने हैं आपको, वो वाले देने हैं, ये वाले लेने। नहीं ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप लोग ही कहाँ ऐसे। चलो फिर बस यार, मुझे लग रहा है आपने खोला शूज छुपाने की वजह से, ताकि यहीं पे छुपा दूं मैं शूज। ये क्या कर रहा है? नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, अब क्या करें भाई, अब्दुल अमजे के शूज इतने इम्पोर्टेंट है, कुछ कह नहीं सकते हैं। अब्दुल अमजे के शूज मेरे लोग दिखाओ ना यार, लोगों को शूज है भाई, इसका लुक देखो।